पीने के पानी को लेकर, तो वहीं दिल्ली सरकार साफ तौर पर ये कहती है कि हम स्वच्छ पानी घर घर तक जन जन तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए तो लोगों के घरों तक जो पानी आ रहा है, क्या वो बिल्कुल साफ है? ऐसा देखने को कहीं भी नहीं मिल रहा है। इसी को लेकर आज मैं मौजूद हूँ दक्षिणी दिल्ली के वार्ड नंबर 4 महरौली अग्नपाल चौक में, जहाँ हम लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो ये पानी आ रहा है वो कितने टाइम से इतना गंदा पानी आ रहा है और उनको इन गंदे पानी की वजह से कितनी समस्याएं, कितनी बीमारियां झेलनी पड़ रही है। नाली का पानी आ रहा है जो पी पी के हम सब लोग बीमार हो चुके हैं, सब ये सारा मल्ला परेशान है। तो इसके लिए शिकायत वगैरह नहीं करी है? 10 बार दिखा दे, कोई नहीं आता, कोई नहीं आ रहा है। आप क्या कहेंगे, क्या दिक्कत परेशान होती है गंदा पानी पीने के बाद? फिर पेट दर्द, वॉमिटिंग, हमारी ऊपर वाली तो एडमिट भी हो गई, इतना गंदा पानी आ रहा है। आप क्या कहेंगे माता जी? 2-3 बार क्या रहे। अच्छा, तो फिर क्या करते हैं गंदा पानी आता है तो? वही यूज होता है, बस क्या करेंगे, और पानी कहाँ से लाएंगे? उसी को इस्तेमाल करना, पीने के लिए भी उसी को ही कर रहे हैं। प्रशासन से, सरकार से क्या गुजारिश कर रहे हैं? सही ना कि साफ पानी दो। चलिए, गंदा आ रहा है, क्या बोलेंगे? बहुत गंदा पानी आ रहा है। कितनी दिक्कत परेशानी होती है? बहुत परेशानी, टैंक खराब हो गया हमारा तो सारा, इतना गंदा पानी आया, बहुत ज्यादा परेशानी तो है, बहुत ज्यादा, क्या करें बताओ। प्रशासन से हम तो कंप्लेन कर करके थक गए, कोई सुनवाई नहीं। जी, तो लगातार ऐसे ही गंदा पानी आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या करें भैया, क्या करें फिर? आप पीना तो आया, कुछ तो पीना ही आना। कितने टाइम से गंदा आ रहा है? 3-4 बार हम लोग का पूरा टैंक खराब हो गया, सारा गंदा पानी आ रहा, गंदा ही पिए है हम लोग, गंदा ही पिए। आप जैसे गंदा पानी तो बीमारियों का कारण भी बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। ऐसा सरकार तो कहती है जो ये है गंदा है, देखने अच्छे करने आते हैं ना, अभी कोई नहीं आ रहा है, गंदा ही पानी हम लोग पी रहे हैं। गंदा आ रहा है पानी, वैसे आता फिर वो बाद में साफ हो सकते है, आता है बाद में साफ हो सकते है, आता है पानी, गंदा पानी आता है, बोला ऐसा पानी आ रहा है कि टॉयलेट भी नहीं जा सकते, इसलिए हमें साफ पानी अब बिस्लेरी मंगानी पड़ती है पीने के लिए प्राइवेट बिस्लेरी मंगा रहे हैं, हाथ धोने के लिए भी ये बिस्लेरी मंगानी पड़ती है, 50 रुपए की बिस्लेरी आ रही है। प्रशासन से क्या गुजारिश करते हैं सरकार से? साफ आना चाहिए हमारे मोहल्ले में, साफ आना चाहिए, 4-5 दिन तो आ रहा है, हर बार जब भी कभी रात को आया, कभी दिन में आया, तब भी आ रहा है, गंदा ही आ रहा है, गंदा ही आ रहा है। तो शिकायत वगैरह नहीं करते इसके लिए जाके कि गंदा पानी आ रहा है? कहते हैं खोल दिया जी, यही पानी है हमारे पास, यही पानी है बोलकर आपको वहाँ से भेज देते हैं। गंदा पानी आ रहा है मोहल्ले के अंदर, उसको लेकर क्या बोलेंगे? बीमारी बढ़ेगी बच्चों के, पियेंगे जब गंदा पानी, अच्छा तो पानी है ही नहीं। गंदा पानी आ रहा है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? तो बहुत गंदा पानी आ रहा है, अभी ये 5 दिन में एक बार पानी आता है इधर। अच्छा, तो बहुत गंदा, मतलब इतना गंदा पानी, वो मिट्टी बैठ भी नहीं रहा है, वैसे ही गंदा रहता है, कभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे जाके कंप्लेंट किए थे फिर भी गंदा पानी आ रहा है, बोलते हैं नीचे से कुछ खराब है, बट उसको ठीक करना चाहिए ना, आज को 15 दिन हो गए ऐसे पानी लगातार इसी तरीके से पानी आ रहा है। हाँ, तो पीने के लिए फिर आप क्या करते हैं? वही पानी है, उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं, आरओ भी जिसका है, आरओ है, वो आरओ खराब हो जा रहा है, उसके लिए 1400-1500 रुपया सबका आरओ खराब हो गया इस बार। आरओ और टैंकी वगैरह बहुत नुकसान भी आपको झेलना पड़ रहा है, बहुत नुकसान इस गंदे पानी की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन दिल्ली सरकार कहती है हम तो साफ पानी पहुंचा रहे हैं घरों तक। बिल्कुल, आप भी देख सकते हैं पानी जाके, आप देखे होंगे इसलिए आए होंगे, पूरा गंदा पानी है, गंदा पानी आ रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मेरे यहाँ तो लगभग 4-5 दिन से गंदा पानी आ रहा है और इसकी कोई वो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो हम लोग गंदा पानी पी के और बीमार हो जाते हैं, मेरा बेटी वो बच्चे जो है वो सब बुखार से यानी पीड़ित हो रहे हैं। सरकार से क्या गुजारिश कर रहे हैं? बस यही गुजारिश है कि गंदा पानी सही होना चाहिए और यही है, बदबू आता है पानी, पानी बहुत गंदा आता है, हम लोग परेशान है। मेरे कितने दिन में पानी आता है? 4th दिन आता है, 4th दिन में पानी आता है। तो जब अगर मान लीजिए नहीं, 4th दिन भी पानी नहीं आया तो फिर कैसे इस्तेमाल करते हैं आप लोग? फिर वही गंदा पानी हम लोग बचा के रखते हैं, वही करते हैं, वही पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप क्या कहेंगे, गंदे पानी को लेकर कितनी दिक्कत परेशानी होती है? बहुत ज्यादा दिक्कत होते हैं, परेशानी तो होते हैं, जब 4 दिन से पानी आएंगे तो परेशानी तो होंगे, वही गंदा पानी बचा के रखना पड़ता है, जो आंटी बोली है वही काम तो सबको मेरे लिए करना पड़ता है। पीने के लिए कैसे कर रहे हैं फिर, वो गंदा पानी पी रहे हैं? हाँ, वो जो डब्बा में भर के रखते हैं उसे ही बचा के रखना पड़ता है जी। कभी आप
आप क्या कहेंगे? गंदा ही पानी पी रहा है क्या? गंदा ही पानी पी रहे हैं। और कोई उस्मान प्रशासन से सरकार से क्या गुजारिश करते हैं? सरकार से साफ पानी दीजिए। और क्या साफ पानी दीजिए? छोटे छोटे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। हाँ। तो ये छोटे बच्चे कैसे वही गंदा पानी पीते हैं? गंदा पानी पीते हैं, बीमार होते हैं। सब बीमार पड़े हैं, सब बीमार पड़ रहे हैं गंदा पानी पी के। सरकार से प्रशासन से क्या गुजारिश कर रहे हैं? इतना गारे वाला पानी था, मशीन में डालो ऐसे जैसे गारा है बिल्कुल जी। बोलने पर कुछ सुनाई नहीं। प्रशासन से सरकार से क्या गुजारिश कर रहे हैं? यही गुजारिश के साफ पानी दो, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। परेशानी तो हो ही रही है, अब क्या कर सकते हैं? अब हमारे बोलने से थोड़ा ना कुछ होगा। तो पीने का पानी कैसे इस्तेमाल करते हैं फिर? वही करते हैं, उसी गंदे पानी को पी रहे हैं। प्रशासन से सरकार से क्या गुजारिश करते हैं? हम यही कह रहे हैं कि देख सरकार देखे, हमारे बारे में सोचे। ऐसे गंदा पानी पियेंगे तो बीमार तो होते हो ही रहे हैं। लोगों से जब हमने बातचीत करी तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि दिल्ली सरकार द्वारा जो पानी दिया जा रहा है वो शुरुआती तौर पर कई मिनट तक जो है गंदा आता है, और गंदा पानी आने के बाद में जो उसके बाद पानी आता है वो बदबू भरा पानी आता है, जो बिल्कुल पीने के लायक तो होता ही नहीं है, जिससे लोगों को बाहर से खरीद कर पीने का पानी इस्तेमाल करना पड़ रहा है और बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। लोगों की प्रशासन से यही गुजारिश है कि जो गंदे पानी की समस्या है वो जल्द से जल्द खत्म करी जाए और उनके घरों तक स्वच्छ और साफ पानी पहुंचाया जाए। न्यूज़ 10 इंडिया से मोनिका शर्मा की खबर, दिल्ली।